हेलो फ्रेंड्स, आज हम डायनेमिक्स में कुछ एग्जांपल ही करेंगे। एक्चुअली हमारा फोर्थ चैप्टर चल रहा है, फोर्थ चैप्टर इलास्टिक स्ट्रिंग प्रत्यास्थ डोरी में तनाव, इलास्टिक स्ट्रिंग में तनाव। तो एक्चुअली जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसके अंदर ये फर्स्ट यूनिट में दे रखा है। तो देखो, मैं आपको ये जब हो जाएगा इलास्टिक स्ट्रिंग, तो आपकी फर्स्ट जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। मैं आपके यूनिट में टॉपिक लिखवा देता हूँ। फर्स्ट यूनिट में जो आपका टॉपिक था, पहले वेलोसिटी और एक्सीलेशन था, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, वेलोसिटी एंड एक्सीलेशन। और इसमें फिर आपके आता है रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सीलेशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलेशन, वो भी पढ़ा था ना, रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सीलेशन। ठीक है, ये हो गया था। नेक्स्ट हमने टॉपिक पढ़ा था टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी एंड एक्सीलेशन। ये टॉपिक हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है ना, ये सारे के सारे टॉपिक ये सारे फर्स्ट चैप्टर में आते हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट। फिर इसी यूनिट में आपके पास चैप्टर आता है एसएचएम वाला, कौन सा, एसएचएम मोशन, वो इसी के अंदर आता है। और फिर मैंने आपको करवाया था मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम, वो इस यूनिट का टॉपिक नहीं है, वो है यूनिट सेकंड। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ थर्ड में कौन सा आएगा, सॉरी फर्स्ट यूनिट में कौन सा आएगा, एसएचएम आएगा। और फिर प्लस हुक्स लो, जो हमने अभी इलास्टिक स्ट्रिंग में पढ़ा है, क्या हुक्स लो। और अभी हुक्स लो के बाद एक टॉपिक, एक चीज़ और बच जाती है, इसी इलास्टिक स्ट्रिंग में आएगा, मोशन अलोंग हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग। ठीक है, मोशन अंडर हॉरिजेंटल और सॉरी वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल इन इलास्टिक स्ट्रिंग, इलास्टिक स्ट्रिंग, समझ रहे हो। तो आपके पास जो फर्स्ट चैप्टर है वो प्लस एसएचएम वाला सेकंड चैप्टर और प्लस ये फोर्थ चैप्टर, ये तीन चैप्टर आपके आते हैं यूनिट फर्स्ट में। तो इनको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, है ना। इलास्टिक स्ट्रिंग ये हो गया आपका थर्ड फोर्थ चैप्टर, और ये आपका सेकंड चैप्टर। और अब एक मैंने आपको कराया था थर्ड चैप्टर, जो यूनिट टू में आता है, मोशन अंडर रेजिस्टेंस मीडियम, समझ रहे हो ना। तो अभी हमारी ये सिर्फ जो इलास्टिक स्ट्रिंग है इसके अंदर हॉरिजेंटल और वर्टिकली डायरेक्शन में, जब इलास्टिक स्ट्रिंग में हम मोशन पढ़ लेंगे उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और हमारी फर्स्ट यूनिट भी इसी के साथ ख़त्म हो जाएगी, और प्लस हमारी दूसरी यूनिट भी आधी हो चुकी होगी क्योंकि हमने सेकंड चैप्टर पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये आपका यूनिवर्सिटी शेखावाटी यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। और फिर सेकंड यूनिट में एक चीज़ और रह जाती है, वर्क एंड एनर्जी और मोशन ऑन स्मूथ करो इन वर्टिकल प्लेन और मोशन ऑन द इनसाइड ऑफ ए स्मूथ वर्टिकली सर्कल, ये चीज़ हो रह जाएगी इसमें सेकंड यूनिट में। और फिर आपके थर्ड यूनिट, तो मैं ये मान के चलो ये दोनों यूनिट सेकंड और थर्ड इस दिसंबर में एंड तक कंप्लीट करवा दूंगा।
तो हमारे पास ये पूरी एक बुक कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट फिर हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक, वो हम 2021 में जनवरी में स्टार्ट करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल करवाता हूँ मैं, ठीक है। तो आज तो इसी पे एग्जांपल कराऊंगा मैं, और कल हमें एक जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग है उसके अंदर मोशन करेंगे, ठीक है ना। तो अभी देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल इलास्टिक स्ट्रिंग स्लो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। एक एम द्रव्यमान का एक कण, एम मान का एक कण किसी भारी तार से लगा हुआ है, किसी भारी तार से लगा हुआ है, हुआ जो दो स्थिर बिंदुओं के बीच टी तनाव द्वारा सीधा खींचा हुआ है, जो जो दो बिंदुओं के बीच टी तनाव द्वारा सीधा खींचा हुआ है, यदि तार के सिरों से कण की दूरियां क्रमशः ए व बी हो तो सिद्ध कीजिए कि एम के एक छोटे अनुप्रस्थ दोलन का काल अनुप्रस्थ दोलन का काल 2 पाई बाई अंडर रूट एम ए बी बाई टी ए प्लस बी होगा। अब समझ में आया? अभी देखो मैं इसको कैसे समझाता हूँ आपको। मैं आपको समझाता हूँ ग्राफ से। ये हमारा कोई एक पार्टिकल जो दो लाइनों के बीच है, एक तार से बंधा हुआ दो पॉइंट के बीच में, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है। यहाँ पे हमारा कोई पार्टिकल पी पे बीच में है, ठीक है। और ए से पी की दूरी हमें बोल रहा है ए है, और पी से बी की दूरी बी है, ठीक है। अब मैं इस पी को हल्का सा विस्थापित करूँगा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, यानी कि अनुप्रस्थ डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ कर दिया। मान लो ये मैंने एक्स दूरी ले ली और इसको मैं मिला दूंगा, ओके। ठीक है, ओके। अब देखो मिला दिया मैं, ये वाला तनाव लेता हूँ टी, ठीक है। ये तनाव होता है इसका टी, और इस साइड भी तनाव टी है। ये पॉइंट मैंने ले लिया पी, और इसको ओ ले लो ये, ठीक है, ओके। तो अभी देखो जब हम इसमें हल्का सा विस्थापन करते हैं, यानी कि पी को जब हल्का सा ऊपर खींच के छोड़ देते हैं, तो टी और रिलेशन में क्या रिलेशन होता है,
तो क्या आएगा, ए पी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए पी इज इक्वल टू अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें से आप ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ए बाहर आएगा, तो ए स्क्वायर बाहर आएगा तो अंडर रूट लगेगा, तो ए बन जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की पावर 1/2। अब आप थोड़ा इसका एक्सपेंशन करेंगे, एक्सपेंशन कैसे, ए वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा और इंटू में पावर आएगी 1/2 एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और प्लस फिर क्या होगा, कुछ टर्म्स कॉन्स्टेंट और आएगा और इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर बढ़ जाएगी ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर और बढ़ जाएगी, और यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट आएगा मान लो, कुछ भी कॉन्स्टेंट सी मान लो, ठीक है ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा आगे। एक्सपेंशन किया मैंने, एक्सपेंशन एक बार देख लेना, कोई भी साइन मेरी करवा भी होगा या फिर आप जनरल गूगल पे सर्च कर सकते हो कि वन प्लस ए वन प्लस वाई स्क्वायर की पावर हाफ है, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, ठीक है ओके। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो विस्थापित मैंने किया है हल्का सा, पी को हल्का सा ऊपर किया है, यानी कि बिल्कुल हल्का सा है, जब एक्स टेंड्स टू जीरो होगा, जब मान लो ये मान सकते हो कि पी जब जीरो की तरफ टेंड करेगा, पी जब जीरो के ऊपर पहुँचेगा तब हमारा एक्स क्या हो जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा, तो ए पी क्या हो जाएगा, ए पी इज इक्वल टू ए ये वाला टर्म जीरो, ये वाला टर्म जीरो, तो यानी कि कुल मिला के जो तनाव है वो दूरी के बराबर ही हो जाएगा, जो तार की रस्सी की दूरी है उसके बराबर हो जाएगा। सिमिलरली दूसरे इसके लिए देखेंगे, तो वहाँ पर भी क्या होगा, जब एक्स टेंस टू जीरो होगा तो तनाव जो है वो बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल सैंडी कट है, जब एक्स बिल्कुल पास हो जाएगा तब है ओके। फिर देखो अब हम गतिज समीकरण लिखते हैं, कैसे, इस पॉइंट पे कितना तनाव लग रहा है, तो देखो एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस इस टी का, इस तनाव का इस डायरेक्शन में घटक देखो कितना है, तो वो होता है आपका टी इंटू कोस ये वाला थीटा, टी इंटू कोस थीटा, ये क्या होता है इस एक्स एक्स डायरेक्शन में इस ए द्वारा लगा गया लगाया गया तनाव होता है, तो ये आ गया आपका कोस, इसका नाम थीटा वन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस इस दूसरी डायरेक्शन में देखो ये क्या है, तनाव का एक्स एक्स के समांतर जो घटक है वो होता है टी कोस ये वाला थीटा, ले लो इसका नाम थीटा टू दे दो, थीटा टू। अब देखो अगर हम क्या लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि हमारी गति है ना जो बल लग रहा है उसकी अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो तनाव या बल है वो नेगेटिव हो जाता है, यानी कि जैसे मान लो हम ऊपर की तरफ गति कर रहे हैं और हमारे पास फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है, या फिर बल लग रहा है या रेजिस्टेंस लग रहा है जो भी लग रहा है, तो वो नेगेटिव हो जाता है, कम हो जाता है ना। सिमिलरली यहाँ पे हमारा पार्टिकल ऊपर नीचे गति कर रहा है लेकिन पार्टिकल पे बल है वो इस साइड, इसकी डायरेक्शन में तो नहीं लग रहा ना, इसकी डायरेक्शन में अगर लगता ना बल तब तो प्लस होता, अगर इससे और किसी भी डायरेक्शन में लगेगा तो वो नेगेटिव ही होगा, तो ये नेगेटिव होगा, इसको रोकने की कोशिश ही करेगा ये ओके, तो ये भी नेगेटिव होगा। सिमिलरली इस साइड से भी होगा, बी की साइड से भी नेगेटिव लगेगा ओके। अगर ये तनाव जो है इसको रोकने की कोशिश ना करके इसमें गति और देता, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बल लगा कि इसको और तेज़ करता तो पॉजिटिव आता, अदरवाइज ये इसको रोकने की कोशिश कर रहा है तो माइनस आएगा, बस इतना ध्यान रखना लॉजिक, ठीक है ठीक है। तो आप इनकी वैल्यूज रखो, माइनस टी ये आ गया कोस थीटा वन, कोस थीटा वन की वैल्यू कैसे निकालते हो, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूस होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो देखो आधार हमारे पास क्या है, हाँ तो सॉरी ओ पी ए सॉरी, हम क्या ले रहे हैं, हमारा पार्टिकल यहाँ पे है पी पे है, सॉरी ठीक है, पार्टिकल कहाँ पे है, हमारा पी पे है, तो जो एंगल बनेगा
वो ये वाला एंगल बनेगा। हमें घटक किसका लेना है, इस वाले कोण के, क्योंकि पार्टिकल तो हमारा ऊपर है ना पी पे, तो ये वाला एंगल लेना है थीटा, और यहाँ पर भी ये वाला थीटा टू लेना है, ये वाला नहीं लेना, सॉरी। ठीक है, तो अब देखो थीटा वन की रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस। तो अभी इस त्रिभुज को आप थोड़ा ऐसे करके देख लो, ये ऐसे, ठीक है, जहाँ पे ये हाइपोटेनियस और बेस हमारा क्या है, सॉरी बेस हमारा ये है एक्स, और जो परपेंडिकुलर वो ए है। ओके, तो यहाँ पे बेस हमारा एक्स हो गया, तो एक्स बाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि ए पी, प्लस एक्स बाई दूसरे के लिए क्या आ जाएगा, बी पी, है ना। ओके, माइनस टी, अभी वन अपॉन ए पी, वन अपॉन ए पी को हम टी नहीं लिखेंगे, बिकॉज ये जब हम बिल्कुल पास आ जाते हैं तब लिख, तब इसके गति की समीकरण लिखने, थोड़ा सा विस्थापन तो करना है ना, तो टी को हम ए के आइसोमॉर्फिक लिखेंगे, तो ए पी को हम अप्रोक्सीमेटली ए लिखेंगे, यहाँ पे वन अपॉन ए, और इसके लिए वन अपॉन बी, और एक्स जो बाहर मेरे कॉमन, तो ये हमारे पास गति की समीकरण आ गई। ठीक है, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टी बाई एम, और इसका एलसीएम ले लो नीचे वाले का, नीचे भी ऊपर आ गया ए प्लस बी और एक्स, ये पूरा वैल्यू क्या है, म्यू है। तो इसके लिए जो टाइम पीरियड है ये क्या है, सिस्टम गति होगी, और टाइम पीरियड जो है वो क्या आता है, कैसे आता है, टू पाई बाई अंडर रूट म्यू से आता है ना, तो टू पाई रख दिया हमने और ये म्यू हमारा, तो इसकी वैल्यू रख दीजिए अंडर रूट लोगे तो ये टी ए प्लस बी, और नीचे वाला ऊपर आएगा तो अंडर रूट एम ए बी, यही हमें प्रूव करना था, एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये था एक छोटा सा एग्जाम्पल, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आज के लिए मैं इतना ही कराऊँगा, नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो हॉरिजॉन्टल पढ़ेंगे, क्या, वर्टिकली मोशन ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग, ये तो हॉरिजॉन्टल था, अब हम क्या पढ़ेंगे, वर्टिकली मोशन इन ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग, यानी कि जब हमारी जो रस्सी है वो ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की तरफ लटक रही है, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जो पार्टिकल की गति होगी वो पढ़ेंगे।